दुष्यंत आ गई, अगर दुष्यंत नु सा भी मेरा गई भीख मांगा, मां उसका का भीख को नहीं मांगा, मारा आंख है, अगर मां ना मारा आंख नहीं मिला तो हम रोड सारे जाम कर देंगे, क्योंकि आखिरी चेतावनी, क्योंकि हमारा सीजन हो लिया, मतलब जीरी जारी लगन का टाइम हो रहा है, अभी लाग लेके बाड़क ला देगा ई मां, इस आंदोलन कर देंगे, मतलब सारा सौदा ठप बढ़ा देंगे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जींद डीसी ऑफिस के सामने हैं फिलहाल, और किसान है जो डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। किसानों की कुछ मांग है जो तूड़ी को लेकर है, और बिजली कट लगातार लग रहे हैं, और भी कई समस्याएं हैं किसानों की, तो उसी को लेकर किसान है जो जींद डीसी ऑफिस के सामने पहुंचे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, तो किसानों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल अभी महिला है, तो इनसे बातचीत करांगे। पूनम जी, जो आप यहाँ पर बैठे हो, हम 11 बजे यहाँ पर पहुँच लिए थे। सबसे बड़ी शर्म की बात है, हमारे 80-80 साल के 70-70 साल की बुढ़ी यहाँ पर आके बैठी है गर्मी में, और डीसी साहब है जो एसी के नीचे बैठे। सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है, आज जो हमारे बुढ़िया ने बैठने का अंदर बैठने का टाइम, आज वो सड़का पे बैठे। सबसे बड़ी मुआवजा खातर, जो मुआवजा हमारा हक है, वो भी हमने मिल नहीं रहा। और देखो, मिला तो मुआवजा जींद के किसानों को कड़ा मिला है, कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अपने जींद में मिला लेकिन अड़ेवा ब्लॉक छोड़ दिया, छोटी सुदगन छोड़ दी, लोदर छोड़ दी, कई जगह ऐसे जो मुआवजा नहीं मिला और एक एक रुपया नहीं मिला। हम दुष्यंत का गया, दुष्यंत नु सा भी मेरा गई भीख मांगा, मां उसका का भीख को नहीं मांगा, मारा आंख है, अगर मां ना मारा आंख नहीं मिला तो हम रोड सारे जाम कर देंगे, क्योंकि आखिरी चेतावनी, क्योंकि हमारा सीजन हो लिया, मतलब जीरी जारी लगन का टाइम हो रहा है, अभी लाग लेके बाड़क ला देगा ई मां, इस आंदोलन कर देंगे, मतलब सारा सौदा ठप बढ़ा देंगे। देखो, जिस टाइम टोल बंद किया था, उस टाइम मैं डीसी साहब से बात हुई थी आपकी, कि जब खेड़े किसानों को मुआवजा मिल जाएगा तो अड़ेवा ब्लॉक को दिया जाएगा, लेकिन खेड़ी ब्लॉक का तो, खेड़ी का तो मिल गया, वो कर दिया बातचीत तो अपनी, मतलब 4 तारीख की एफसीआर के साथ चंडीगढ़ मीटिंग है अड़ेवा ब्लॉक के लिए, अगर उसने बोल दिया मुआवजा मिलेगा, देखो हमने कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं मुआवजा मिला तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने देखो राजनीति तो थोड़ी बहुत करनी आई, लेकिन लोगों ने देख देखा दौड़ पसाना है, लेकिन हमने लड़ना जरूर आएगा इस आंदोलन का, हम लड़ाई लड़कर अपना हक लेवाएंगे। और तूड़ी जो दूसरा जिला में ले सकते, बाहर ही ले सकते, उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है, तो उसके लिए भी कुछ मांग रखोगे आप? देखो, मांग के रखनी है, कितनी शर्म की बात है, इनके बाहर तो इतना बड़ा बड़ा ये व्यापार करने लग रहे हैं, उस पर कुछ भी धारा नहीं लग दे, हमारी तूड़ी जो आम किसान की, मतलब पेट गौआ का मैं सका अपना पेट भरने खातर, उस पर धारा लुआ रखी है, यह शर्म की बात है, इसने इनको नहीं विकास करूंगा, मारा तो नाश कर दिया इस सरकार ने, विकास की तो कड़े बात। जो आंधी आई थी उसमें तूड़ी और कूप भी जले थे, उसके मुआवजे के लिए कोई मांग? देखो, 76 गाँव में इतना नुकसान हुआ, आप खुद जाकर भी देख के आयो, कई परिवार के आदमी बच्चे सुलझ रहे हैं, और मैं तो यह बात नुक, वहाँ भी डीसी साहब एक बार आप खुद जाकर देख के आओ भी परिवार में कितना नुकसान हो रहा है, किसान तो भी मरे पड़े हैं, अरे ऊपर लाने मार दिए, मैं तो नुक, और मैं तो देखो नु कहूँ, किसे भाई का ब्यों थो जो विदेशा में बैठे है, भाई देखो गरीब परिवार, उनकी मदद करो, अरे विपक्ष के नेता है का नंबर तो बनाया जाएगा, सारे विपक्ष के उनका कोई सहयोग करो भाई, किसे का ये 5 स्टार होटल का पार्टी करा, देश हर जगह इनका 10 लाख रुपए का कोई टोटा नहीं होता इनका, मैं तो कहूँ गरीब परिवार ने मदद करो, क्योंकि सरकार अपनी सुन दी को नहीं, और रोरा पे मदद करांगे तो उन भाइयों का भला हो जाएगा, मैं तो यह कहूँ। ठीक है जी, आज डी साहब को ज्ञापन सौंपना है, तो आपने के कुछ लागे जो डी साहब को ज्ञापन सौंपोगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? भाई, समस्या का समाधान तो जिद हो जाएगा जी, डीसी साहब नीचे आवेंगे, डीसी साहब तो डरते ऊपर बैठे हैं, एसडीएम भेज दिया कि एसडीएम ज्ञापन लेगा, और जब तक डीसी नीचे नहीं आओगा, जब तक हम उठाने वाले नहीं, किसान उरे बैठ गए जम के, उरे रोटी पकावेंगे, उरे किसान खाओगे, जब तक डीसी साहब नहीं नीचे आवेंगे, इब तक तो हम साहब कवा, ये जनता का नौकर है, ये जींद में ये इसीलिए बिठा गया जिला में कि भाई ये जींद जिले की समस्या सुने, अब उसने डर लगा जनता से मिलते उन्हें, फिर वो क्या का डीसी है, इतना अच्छा उसने जनता से डर लगा, अपने घर बैठ जाओ, और बतेरे भाई है नौकरी करने वाले, हमारे बतेरे पढ़े लिखे भी रहे, उसने इतना डर लगा है, उसने कुर्सी का डर कौन लगता, उसने जनता का डर लगा है, मिलने का डर है, हो इस नु बताओ हमें सरकार तक के उम्मीद कर सका, जो एक डीसी हमारा नौकर नीचे नहीं आता, तो उस सरकार तक के उम्मीद है, लड़ाना पड़ेगा भाई, यार एक चीज खातर उरे तो हमने तो डी साहब ने क्या मैसेज भेजा था यहां किसान है, ये कहे कि भाई ऊपर मिलना आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ सकता, नो बताओ नीचे क्यों नहीं आ सकता, मतलब कुछ लोगों ने ऊपर बुलावा है, हाँ कुछ लोगों ने, और ये कहे हम जनता के बीच में आजे, हम कुछ लोग ऊपर नहीं आवांगे, ये कह रखे हमने अपने ताऊ और सारे ने। और जो खेड़ी तहसील में देखो मुआवजा मिल गया, दुष्यंत चौटाला ने खुद बातचीत करी और किसानों का जो समाधान किया है, और अड़ेवा ब्लॉक का मुआवजा रुक गया, तो के कुछ लागा आपने जो दुष्यंत चौटाला का हल्का भी जहाँ से विधायक बने, दुष्यंत चौटाला की तो मनसा है या किसान तेरा बरना है, और वह खेड़ी चौटा ने पूरी कर दी, आम नहीं जावेंगे भाई, हमने तो ऐसा मुआवजा चाहिए नहीं, हम सरकार अधिकारियों से मिलेंगे, जो अपने उस सरकार ने बिठा रखे कुर्सियां पे, हम कोई मंत्री एमएलए तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मेरी तो यह पक्की है, मैं तो किसी मंत्री एमएलए तो मिलने नहीं जाऊंगा, जाके तो बिना मुआवजा रह जाएंगे, उसकी
मनसा यह है कि तेरा दरबार पे किसान आवे गोडे रगड़े, किसान झुकाना चाहे, किसान झुकने वाली कौम नहीं है भाई। क्या क्या मांग लेकर आप ज्ञापन सौंपोगे? ये तो 500 रुपए तो गेहूं का बोनस और बिजली जो अब हाँ जो कट लग रहे हैं। दूसरी बात, जो बिमल बीमा फसल योजना है तो उसमें 10-10 मन लोगों का कम हो रही है गेहूँ भी, और जो हमारा बीमा कटा था बाड़ी का वो आधे लोगों तो मिले नहीं रहा, कईया ने मिल गया, कई बैठे हैं। सबका यह भरपाई बीमा फसल जो कंपनी है बीमा वह पूरी करे किसान की। भाई कितनी देर तक बैठे रहोगे यहाँ? देखो डी साहब तो अभी ऊपर बैठे, इतना ऊपर तो नहीं आंदा नहीं भाई, इतना मामे उठते नहीं। और मामे एक बात कहा, डीसी ने नौकरी यहाँ के लिए है, वो या नौकरी लेवा है भाई, किसाना की सुना है ना, मामे बंदूक ले रहे ना मामे हथियार ले रहे, और डरदा ऊपर तड़ांदा को नौकरी यहाँ के लिए हो, हमारी बात सुना किसाना का बीच में भाई किस कारण आ रहे था मैं जो हमारी बात बीजी है तो टाइम दे दो मामने भाई, मैं बीजी हूँ आधा घंटा का पौना घंटा का, इतना नहीं आओगा नहीं भाई, मामना साइड इधर ना देना हो मामे आड़ा तहसील में तो जावा नहीं, हाँ यही बैठे रहोगे, इतना डीसी का हमारी बात नहीं होगी तो। और डीसी ईसा बीजी क्या मैं मारता भी घना काम की होती है, मामे काम घर छोड़ के खेत के धंधे छोड़ के आ रहे हैं, मामे इसको बारना बैठे हैं और हमारी बात नहीं सुनता, तुम नौकरी क्या की ले हो कोई पूछ नहीं आओ भाई, सरकार ने ला रखा तो वो किसी का भला करने खातर ला रखा है, जनता की सेवा के लिए मामे हमारा देश खातर मामे लड़न लग रहे, मामे हमारे जनता की सेवा खातर समाज खातर मामे लड़ा, हाँ भाई मारा नुकसान हो रहा है, जिसकी खेती जलगी फसल जलगी, मामे मारे बच्चे ना कुकर पालांगे क्या गला पालांगे, मामे तड़ा भू खेती साहे बैठे बारना है, ऊपर तो तड़ा नहीं आ सकता ऐसी तड़ा बैठा, यही बात है। राम राम ताई। राम राम भाई, कितनी उम्र होगी? मेरी 80 साल होगी भाई। तो ताई यहाँ के करने के लिए भाई आ रहा है, डीसी ने ज्ञापन सौंपना है, किसान है ज्ञापन सौंपना आए है, आग जनी होगी गेहूँ तड़ के पेंशन पेंशन कट गई, हाँ पेंशन क्या कटो जी, पेंशन क्या कटो था पेंशन का ज्यादा डर भाई, पेंशन तो उनके कटागा जी का गणित जमीन होगी, ये सरकारी नौकरी है ना, तो ताई का सरकारी नौकरी 4 पीढ़ी भी कोई नहीं, बी ए क्या करता ताई, बूढ़ा ज्यादा डर पेंशन का ही होगा ना, पेंशन का कौन बूढ़ा ने भाई, किसान है उन्हें तो अपने आग देनी है भाई, मोटा का तो कोई 5100 का तो हो जाएंगे ताई, तुझे अलग होता की बूढ़ा ने पेंशन 5100 रुपये देवा, कोई 5100 नहीं करता, 500 बता होगा मसाए। देखो डीसी ऑफिस के बाहर किसान बैठे हैं और डी साहब को ज्ञापन देने के लिए अभी यहाँ पर पहुंचे, तो डी साहब जो ऊपर है यहाँ पर नहीं आए, किसानों का कहना कि 2 घंटे हो गए जो हम यहाँ बैठे हैं और डी साहब जो ऊपर ही बुला रहे हैं और किसान है यहाँ पर बैठे कि सभी के बीच में डी साहब आवे, तो आप देख रहे हैं अभी जींद से जो खबर आई है, जींद की अपडेट है, जो डी साहब से मिलने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए किसान आए थे और जो किसानों की मांग थी, जो किसान से बातचीत करी है, तो इन्हीं मांगों को लेकर किसान यहाँ पर आए। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके सोच विचार क्या अपना कमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।